Audio Jungle. नमस्कार, मैं सुष्मिता बिस्वा स्वागत करती हूँ आपका मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और तेजी से बढ़ते चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ब्रेकिंग न्यूज नरसिंहपुर। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है नरसिंहपुर से, जहाँ पूर्व राज्य मंत्री एवं विधायक जालम सिंह ने दिया बड़ा बयान। सम्माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश को मधुशाला बनाने की योजना बना रहे हैं। संपूर्ण जीवन उन्होंने मधु का उपयोग किया है। मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा, मुख्यमंत्री चुनाव में हर गांव में 1000 रुपए की शराब बांटते हैं, होम डिलीवरी हो रही है शराब, गांव गांव घर घर में बिक रही है शराब। यही नहीं रुके विधायक आगे, कहा प्रदेश का मुखिया ही चाह रहा है शराब बिकना चाहिए, युवा पीढ़ी हो रही है बर्बाद, शराब बेचने वाले बनाने वाले की श्रेणी में उद्योगपति हैं कमलनाथ। वहीं इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, शराब नहीं बिकने देंगे, चाहे इसके लिए किसी भी प्रकार से आंदोलन करना पड़ेगा और आमरण अनशन पर बैठना पड़े। नरसिंहपुर से मदन तिवारी की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश को मधुशाला बनाने के योजना में है, चूँकि संपूर्ण जीवन उन्होंने मधु का उपयोग किया है। प्रदेश का मुखिया चाह रहा कि शराब बिकना चाहिए तो कौन रोकेगा। चुनाव में भी उनका बड़ा, जब वो चुनाव लड़ते हैं तो गांव गांव हजारों पेटी शराब बांटते हैं शराब के माध्यम से, तो उनका ऐसा मानता हूँ कि जो हमारे युवा हैं, इन युवाओं को बचाने के लिए नशे से हमको बचाना पड़ेगा। मगर हमारी जब सरकार थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नर्मदा जी के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर दूरी तक जितनी भी शराब की दुकान थी, हमारे ज़िले में लगभग 17 दुकानें बंद हुई, मेरी विधानसभा की 7 शराब की दुकानें बंद हुई हैं। मगर वो 5-5 किलोमीटर में अगर वो उन्होंने कहा है तो ऐसा मानता हूँ हर गांव तक अभी भी शराब बट रही है, घर घर बिक रही है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और सब बहुत सारे हमारे युवा एक्सीडेंट में ख़त्म हो रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े करते हैं, घर में उसमें चोरियाँ बढ़ रही हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं नशे के माध्यम से। और नशे से कोई व्यक्ति ना कोई शारीरिक रूप से ना वैचारिक रूप से मजबूत हुआ है, शराब बेचने वाला बनाने वाला तो वो उसमें उस श्रेणी में सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो उद्योगपति हैं, वो कहते हैं उसमें आय बढ़ने वाली है। और कोई व्यक्ति नशा करता आप अस्पतालों में देख लो, उससे ज़्यादा उसको दवाइयों में पैसा लग जाता है। तो ये सोच गलत है, तो मैं उसका ताकत से साथ विरोध करूंगा, अभी भी कर रहा हूं। उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा, सारे की सारे आंदोलन से लेके जनजागरण से लेके अनशन भी, तो अनशन भी उसमें करूंगा, तो अमरण अनशन भी करने वाला हूं उसमें। शराबबंदी नहीं, शराबबंदी होना चाहिए इस प्रदेश में।